हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबिल होगा तो उसे खोल दीजिए। लुका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 22 से लेकर 25 तक। लुका का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 22 से लेकर 25 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमने एक ऐसा मशहूर चमत्कार पढ़ा है जो प्रभु यीशु के द्वारा हुआ था। 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, इज़राइल के देश में था, तब उसने अलग अलग प्रकार के अनगिनत ऐसे अद्भुत काम करके दिखाई। उसने बीमारों को अच्छा किया, अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, बहिरे को सुनने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, कितनी सारी दुष्टात्माओं को निकाला और मरे हुओं को भी जिंदा किया। पर इनके साथ ही साथ प्रभु ने और भी कई अद्भुत काम दिखाए जिनके द्वारा उसने ये साबित किया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा था, वो खुद परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने जो दूसरे अद्भुत काम दिखाए उनमें से एक हमने पढ़ा। लिखा गया है कि एक बार प्रभु अपने चेलों के साथ नाव में से जा रहा था। उसने पहले चेलों को ये कहा कि आओ हम उस पार चलें, और फिर चेलों ने नाव निकाली, वे सब नाव में बैठे, और जैसे ही वे जा रहे थे समुन्दर में, तभी प्रभु उस नाव में सो गया। और कुछ समय के बाद बड़ी जोर से आंधी शुरू हो गई, और इतनी जोर की आंधी कि उनकी नाव पानी से भरने लगी, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी जिसके कारण उनके नाव में पानी भरने लगा, और प्रभु शांति से वहाँ उसी नाव में सोया हुआ था। पर इतनी जोर की आंधी चल रही थी और इतनी लहरें हो रही थी और इतना पानी उनके नाव में भरते जा रहा था कि चेलों को लगा, अभी हमारे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण है, अभी हम डूबकर मर जाएंगे। और इसीलिए डर के कारण वे प्रभु के पास गए और प्रभु को जगाकर ये बोलने लगे कि स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं, अभी हम डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। लिखा गया है, प्रभु उठा, उसने आंधी को डांटा, पानी के लहरों को डांटा, और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, लहरें थम गई, सब कुछ शांत हो गया। और ये शांत होने के बाद प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था?
पर चेले तो पहले ही डर गए थे इस बात को लेकर कि यह कैसा मनुष्य है, ये कौन है आखिर, कि ये पानी को भी आज्ञा करता है और हवा को भी आज्ञा करता है, पानी उसकी बात को मानता है और आंधी भी उसकी बात को मानता है, आखिर ये है कौन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये चेले जो प्रभु यीशु के साथ रहा करते थे और जहाँ जहाँ प्रभु जाता था वहाँ वहाँ वे प्रभु के साथ रहा करते थे, उन्होंने कितने सारे अद्भुत काम देखे थे कि प्रभु कैसे लोगों को अच्छा करता है, कैसे लोगों के बीच में से दुष्टात्माओं को निकाल देता है और भयानक शैतान के बंधन से लोगों को कैसे छुटकारा देता है, ये चेलों ने देखा था। पर अभी उन्होंने प्रभु का एक अलग सामर्थ्य देखा कि प्रभु ने आंधी को आज्ञा दी और आंधी रुक गई, प्रभु ने पानी को डांटा और पानी की लहरें भी थम गई और सब कुछ शांत हो गया। तभी जो चेले पहले आंधी तूफान और पानी को डरे हुए थे, अभी वो प्रभु को देखकर डरने लगे, ये सोचकर कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी को आज्ञा करता है, पानी को आज्ञा करता है और ये भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे इनको प्रभु की और एक पहचान हो गई कि ये साधारण मनुष्य है नहीं। यदि आंधी इसकी आज्ञा को मानता है और पानी यदि उसकी आज्ञा को मानता है तो ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक अद्भुत काम, एक एक चमत्कार, एक एक बड़ा काम देखते देखते ये चेले विश्वास में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और बाद में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद कैसा अद्भुत काम करना आरंभ किया, प्रभु यीशु के नाम से लोगों के बीच में अद्भुत काम दिखाना आरंभ किया और उन्होंने कैसे प्रभु के नाम को आगे लेके जाकर कितने बड़े पैमाने में प्रभु का काम कर दिया। वजह ये थी कि वे उनके पास जो प्रभु के ऊपर किया हुआ विश्वास था, वो विश्वास जितना शुरू में था उतना अंत तक नहीं रहा, बल्कि उस विश्वास में वे बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते गए। और कैसे बढ़ते गए? हमेशा प्रभु के साथ रहकर प्रभु के एक एक अद्भुत कामों को जैसे जैसे वे देखते गए उनका विश्वास बढ़ते गया, प्रभु की पहचान उनको जो थी वो भी बढ़ते गई, प्रभु की पहचान बढ़ते गई, विश्वास बढ़ते गया। और इसीलिए जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम प्रभु खुद कर रहा था वैसे ही प्रभु के स्वर्ग में चले जाने के बाद उसके चेले भी दिखाने लगे और उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस घटना के पहले देखते हैं कि प्रभु ने उनको पहले ही बता दिया था कि आओ हम उस पार चले, झील के उस पार उनको जाना था। और प्रभु ने अपने चेलों को पहले ही कहा था कि आओ हम उस पार चले, और फिर उस पार जाने के लिए वे झील में बैठे। आधे रास्ते में जब वे थे, प्रभु शांति से सोया हुआ था और तूफान शुरू हो गया। जब ये तूफान शुरू हो गया और बड़ी बड़ी लहरों के कारण इनकी नाव पानी से भरने लगी, तभी इनके दिल में क्या संदेह हो गया। उन्हें ये लगा अभी हम डूबकर मर जाएंगे। इस संकट के घड़ी वे भूल गए कि हमारे साथ नाव में जो है वो आखिर कौन है। हम डूबकर मर जाएंगे, वे प्रभु को जगाकर ऐसा बता रहे हैं, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश होते हुए जा रहे हैं, हम अभी डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उन्हें यकीन के साथ ऐसा लग रहा था कि ये हमारे जीवन की अंतिम घड़ी है, हमारी नाव अभी समुंदर में डूब जाएगी और हम मर जाएंगे। पर वे इस बात को भूल चुके थे कि हम निकलने से पहले प्रभु ने बताया था कि हम उस पार चले। यदि प्रभु ने कहा था कि हम उस पार चले तो हम उस पार पहुँचेंगे, उसके पहले ख़त्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोलने वाला मनुष्य नहीं है,
बोलने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु उनके साथ नाव में होते हुए भी चेलों के दिल का कब्जा डर ने ले लिया। प्रभु उनके साथ नाव में होते हुए भी वे डर गए और प्रभु उनके इतने करीब होते हुए भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी हम डूब के मर जाएंगे। वजह ये थी कि उन्होंने अब तक प्रभु को अच्छे से पहचाना नहीं था और प्रभु ने जो पहले ही उनको बताया था कि हम उस पार चले, इस बात को वे भूल गए थे। यदि प्रभु ने कहा है हम उस पार चले तो हम जाएंगे, क्योंकि बोलने वाला ये साधारण मनुष्य नहीं है बल्कि ये परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के वचन उन्होंने उस समय पकड़ के नहीं रखे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को सच्चाई में अच्छे अर्थ से तब तक नहीं पहचान लिया था और इसीलिए आंधी आने के बाद, तूफान आने के बाद वे डर गए ये सोच कर कि अभी हम डूब कर मर जाएंगे। पर इन्हीं चेलों को हम आगे जाकर देखते हैं कि कितना बड़ा संकट या कितनी बड़ी कठिनाइयां आने पर भी उनका विश्वास हिला नहीं, ना ही वे डरे, ना ही व्याकुल हुए, बल्कि संकटों के आने के बावजूद या कितनी भी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वे विश्वास में बने रहे और बढ़ते गए, क्योंकि तब उन्हें इस बात का यकीन था कि हमारे संकट में भी प्रभु हमारे साथ है, हमारे दुख में भी प्रभु हमारे साथ है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए पर शैतान हमारा विनाश नहीं कर सकता है। यद्यपि हमारा धरती का जीवन खत्म भी हो जाए तो भी हमारी आत्मा बच जाएगी और हम प्रभु के साथ अनंत काल रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम प्रभु यीशु को सच्चाई से नहीं पहचानते हैं और उसके वचनों पर अपना पूरा मन नहीं लगाते हैं, तब तक हमारा विश्वास ऐसा बीच बीच में हिलते रहता है। जब तक हम प्रभु को अच्छे से नहीं पहचानते हैं और जब तक उसके वचनों के ऊपर, उसके बातों के ऊपर हम अपना मन पूरी तरीके से नहीं लगाते हैं, तब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होता है, पक्का नहीं बनता है। कितने सारे लोग जबान से बोलते तो बहुत है कि हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, पर जब संकट का उनको सामना करना पड़ता है, कोई मुसीबत आती है, तब उनका विश्वास हिलना शुरू हो जाता है। डर उनके दिल का कब्जा लेता है और उनके मन में तरह तरह के विचारों का आना शुरू हो जाता है। क्या यह संकट मुझे ख़त्म करेगा? यह संकट मुझे निगल डालेगा? ये होगा, वो होगा, मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा, मेरे घर में ये बुरा हो जाएगा, मेरे परिवार में वो बुरा हो जाएगा। जबकि वे पहले बोला करते थे हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास है, हमने विश्वास किया है। संकट के आने के बाद उनके दिल में डर बढ़ जाता है और नाना प्रकार के अलग अलग विचार उनके मन का कब्जा लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम विश्वास में बढ़ते जाए और प्रभु के वचन को चिपके रहे। प्रभु के वचन को, बोलने वाले जितने सारे शब्द हम सुनते हैं दुनिया में, उसमें प्रभु के शब्द कितने हैं उसको पहचानना है और बस उसी को हमें पकड़े रखना है। दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर उनमें परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की बातें कितनी है, परमेश्वर के वचन कितने हैं, बस उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान लगाना है और उन्हीं को पकड़ कर रखना है। जो लोग यीशु को और पहचानते जाते हैं, उसके ऊपर किए हुए विश्वास में बढ़ते जाते हैं और उसके वचनों को पकड़े रखते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जब भी दुख या संकट आता है वे हिलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, वे विश्वास में बढ़ रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने प्रभु के वचन को अपने दिल में पकड़े रखा है और इसीलिए डर उनके दिल का कब्जा नहीं ले सकता है। डर उनके आसपास ज़रूर घूमता है, डर की आत्माएं उनके आसपास घूमती तो ज़रूर है, पर उनका कब्जा नहीं ले सकती है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को
पकड़ कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दुनिया में परमेश्वर की बातें हैं और अंधकार की अर्थात शैतान की बातें हैं। परमेश्वर की बातें हमें खुशी देती है, परमेश्वर के वचन हमें शांति देते हैं, परमेश्वर के वचन हमारी आत्मा को सच्ची तसल्ली देते हैं और परमेश्वर के शब्द हमारे जीवन को सच्चा रास्ता दिखाते हैं। इसके विपरीत दुनिया के शब्द हमारे दिल में डर को पैदा करते हैं, दुनिया के शब्द हमें निराश कर देते हैं, दुनिया के शब्द हमें जीवन में असफल बना देते हैं और दुनिया के शब्द हमेशा हमें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देखो कितनी सारी बातें आप अखबार में पढ़ते हैं, उनमें से कितनी बातों के द्वारा आपके दिल को तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है। कितनी सारी बातें आप टीवी के ऊपर या अपने मोबाइल में इंटरनेट पे देखते हैं, उनमें से कितनी बातों के द्वारा आपके दिल को शांति मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आपको तसल्ली मिलती है। आप सोचिए, अच्छे से देखो। जब हम अच्छे से देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि दुनिया की बातें सारी व्यर्थ है और ये बातें हमें निराश करती है, परेशान करती है, व्याकुल बनाती है और दुनिया की बातें हमारे दिल में डर पैदा करती है। जब ही चेले उस समुंदर में थे और आंधी चल रही थी, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, तब उनका ध्यान प्रभु यीशु के उस वचन के ऊपर नहीं था जो वचन बता रहा था, आओ हम झील के उस पार चले। यदि प्रभु ने कहा है हम उस पार चले तो यकीनन हम जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आने जाए, कितना भी बड़ा संकट या मुसीबत क्यों ना आए, पर हम जाएंगे क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हम उस पार चले तो हम पहुँचेंगे वहाँ पर। पर ऐसे संकट के घड़ी में चेलों का ध्यान उस शब्द के ऊपर नहीं था, वे उस बात को भूल गए थे जो प्रभु ने उनको बताई थी और उनका ध्यान इस बात पर था कि कैसी हवा चल रही है, कैसा तूफान चल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, कैसी हमारे नाव पानी से भरते जा रही है, और बस उनके मन में इतना ही था, ख़त्म, सब खत्म हो गया, ये हमारे जीवन का अंतिम पल है, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। इतने डर गए थे कि उन्हें यहाँ तक लगा कि प्रभु भी डूबकर मर जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश होते हुए जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा कि प्रभु भी हमारे साथ अभी डूबकर मर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संकट और मुसीबत के समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि उन्हें लगता है कि अभी परमेश्वर का सामर्थ्य कुछ काम नहीं करेगा, अभी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है, अभी परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, और इसीलिए संकट के घड़ी कितने सारे लोग डर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और परमेश्वर की शरण लेने के बजाय और प्रार्थना करने के बजाय वे अलग अलग रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं। मैं क्या करूँ, यहाँ से जाऊँ, वहाँ से जाऊँ, इसको पूछूं, उसको पूछूं, कौन से रास्ते से जाऊं, किसके पास जाऊं, वे रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस हमारे संकट के घड़ी में परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा और प्रार्थना से भी कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तब सबसे पहली बात हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, हमारे जीवन के पापों का बोझ निकाला जाता है, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। तो अभी हमारा ध्यान उसकी ओर होना चाहिए जो हमारा सच्चा बाप है, जो हमारा पिता है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए।
हमें दुनिया की ओर नहीं देखना चाहिए, दुनिया की बातें हमें क्या बोल रहे हैं, दुनिया हमें क्या बता रही है, इनकी ओर नहीं देखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। वो हमारे लिए क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है, दुनिया क्या बता रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और आप देखो बाइबल में परमेश्वर बार बार हमारे साथ वादे करता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो जाए, तुम परेशान न हो जाए, डरो मत। कितने बार प्रभु यीशु ने भी कहा है मत डरो, डरने के लिए मना किया है। ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, न कि केवल सलाह बल्कि आज्ञा है, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि परमेश्वर इस आंधी तूफान में हमें बता रहा है कि मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हम क्यों डरते जा रहे हैं? यदि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो जाए, परेशान मत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए समर्थ हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ, मैं तुम्हें आशीषित कर सकता हूँ, मैं तुम्हें अंधकार की शक्ति से बाहर निकाल सकता हूँ, परमेश्वर के इतने बड़े बड़े वादे हमारे पास होने के बावजूद भी हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि प्रार्थना काम नहीं कर रही है और परमेश्वर का सामर्थ भी कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें विश्वास में बढ़ते जाना है, पीछे नहीं आना है। आपके दिल में आज जो प्रभु यीशु पर विश्वास है उससे कल और बढ़ना चाहिए, परसों और बढ़ना चाहिए, एक साल के बाद आप विश्वास में और बढ़ना चाहिए, दो साल के बाद आपका विश्वास और बड़ा होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि इन चेलों को जो हम देखते हैं, जो अभी संकट के समय डरे हुए हैं और प्रभु उनको सवाल कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था, विश्वास, प्रभु उनको विश्वास की बात कर रहा है, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था। इन्हीं चेलों को हम आगे जाकर जब प्रेरित चरित्र में देखते हैं, संकट आने के बाद वे कैसे शांत थे, मुसीबत के समय वे कैसे शांत थे, जब उनकी जान खतरे में पड़ी हुई थी ऐसे कठिन समय में भी वे शांत थे। तब चेलों का विश्वास कैसा था और अब चेलों का विश्वास हम कैसा देख रहे हैं, हम दोनों बातों को जब ही सोचेंगे तभी पता चलेगा चेले विश्वास में बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। इस घटना में प्रभु उनको सवाल कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर था, क्योंकि चेले इस बात को लेकर डर चुके थे कि अभी हम डूब कर मर जाएंगे। इन्हीं चेलों को प्रेरित चरित्र में देखते हैं कि वे अपने जान को भी खतरे में डालते हैं, डरते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते थे हम जिए तो भी प्रभु के हैं, मर जाएंगे तो भी प्रभु के हैं। ये विश्वास में बढ़ते गए। हर विश्वासी के साथ ऐसा ही होना ज़रूरी है कि हमें विश्वास में एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम आगे बढ़ते जाना चाहिए। विश्वास में हमारी उन्नति होनी चाहिए, विश्वास में हमारी प्रगति होनी चाहिए, हम विश्वास में बढ़ने चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के इन अंत के समय में हमें कोई मनुष्य नहीं बचा सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं बचा सकती है, पर यदि हमारे दिल में परमेश्वर पर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इनके ऊपर किया हुआ सच्चा विश्वास है, तो इसी विश्वास के द्वारा हम बच जाएंगे। विश्वास हमें बचाएगा, हमारे दिल में जो विश्वास है वो विश्वास हमें बचाएगा, इसके अलावा और कोई हमें नहीं बचा सकता है। आज कितने सारे लोग डरे हुए हैं, विश्वासी लोग भी आसपास में हो रही घटनाओं को देखकर बहुत डर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसा उसके साथ हो गया मेरे साथ भी हो जाएगा, इसके साथ हो गया मेरे साथ भी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में कहा गया है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों के द्वारा होता है। हम क्या सुनते हैं ये महत्वपूर्ण है। यदि आप दुनिया की बातें सुन रहे हैं तो विश्वास कहाँ से आएगा, यदि आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
हमें परमेश्वर की बातों की ओर अपना मन लगाना है, परमेश्वर के वचनों की ओर अपना मन लगाना है और परमेश्वर के वचनों को पकड़े रखना है, हमारे दिल में उसको लिख कर रखना है, हर दिन बोलते जाना है, प्रभु ने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मेरे पास प्रभु की शांति है। प्रभु ने कहा है कि वो मेरे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने गया है, वो वापस आएगा, मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें छुटकारे का भी वचन देता है, परमेश्वर का वचन हमें मुक्ति की आशा देता है, परमेश्वर का वचन हमें शांति की आशा देता है। हमें इन सारे वचनों को पकड़े रखना है। हमारे आसपास का माहौल क्या बन रहा है और आसपास क्या हो रहा है उसके ओर देखकर हमारे विश्वास को हिलाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचनों की ओर देखकर मजबूत बनते जाना है। जैसा कि बाइबिल में अब्राहम के बारे में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जब उसको वचन दिया था कि तुम्हारी संतान आसमान के तारों के समान बन जाएगी, इतनी तुम्हारी संतान हो जाएगी, जब परमेश्वर ने उनको ये वचन दिया था तब अब्राहम की हालत क्या थी और उसकी औरत की हालत क्या थी? दोनों भी बूढ़े बन चुके थे और उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों का शरीर बूढ़ा बन चुका था, जो संतान के प्राप्ति के लिए लायक भी नहीं था, और परमेश्वर उनको वचन दे रहा है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी संतान आसमान के तारों जितनी बन जाएगी। बाइबिल कहती है अब्राहम ने अपने और अपने औरत के बूढ़े शरीर की ओर नहीं देखा और बूढ़े शरीर की ओर देखकर वो कमज़ोर नहीं पड़ गया, बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर देखकर वो मजबूत हो गया, क्योंकि वो ये जानता था कि जिसने वचन दिया है वो विश्वास से योग्य है, जिसने वचन दिया है वो सच्चा है। मेरी उम्र कितनी है, मेरी औरत की उम्र कितनी है, हमारे शरीर का क्या हाल है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमें वचन देने वाला सच्चा है, हमारे साथ वादा करने वाला विश्वास योग्य है, और यदि उसने कहा है कि मैं तुम्हारी संतान आसमान के तारों के समान बनाऊंगा, तो उस वचन को पूरा करने के लिए वो समर्थ है। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, न कि अपने दुर्बल शरीर की ओर देखा, और इसी कारण परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा उसको आशीषित किया और बुढ़ापे में उसको बेटा हो गया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाया जिसको आज हम इज़राइल देश के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने बार हम दुर्बल बातों की ओर देखते हैं, हमारे आसपास की दुर्बल घटनाओं को देखते हैं और विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। पर हमें इन घटनाओं को नहीं देखना है, इन बातों को नहीं सुनना है जिनके कारण हमारा विश्वास दुर्बल बन जाता है, बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर देखकर मजबूत बनना है और विश्वास में बढ़ते जाना है। ध्यान में रखना, जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर पक्का विश्वास करते हैं तभी तो वह विश्वास हमारे जीवन में काम करता है। बाइबिल में परमेश्वर के बहुत सारे वचन हैं, बहुत सोने से मौल्यवान ऐसे वचन बाइबिल में है, पर ये सारे वचन उन्हीं लोगों के जीवन में काम करते हैं जो इन वचनों पर पूरा ही पूरा विश्वास करते हैं, जो इन वचनों को ग्रहण करते हैं और विश्वास से उनको पकड़े रखते हैं। जो बस वचन को पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उनके जीवन में यह वचन काम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजकल विश्वासी लोग दुनिया भर की बातें सुनते हैं, कितने सारे टीवी के ऊपर सीरियल देखते हैं, कितने सारे समाचार सुनते हैं, कितनी सारी बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, गलत गलत बातें जो हमारे विश्वास को दुर्बल बना देती है, कमज़ोर बना देती है, जो हमारे विश्वास को मजबूत बनाने का काम ज़रा भी नहीं करती है। ऐसी बातों को देखते रहते हैं और फिर उनको सवाल पड़ जाता है कि हम प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, तो भी शैतान हमारे जीवन में काम क्यों करता है? हम प्रार्थना करते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, तो भी हमारे जीवन में बुरा क्यों होते जा रहा है?
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ज़रूरी है कि आप दुनिया के लिए सारे दरवाजे बंद करें और परमेश्वर के वचन की ओर देखें और वचन को पकड़े रखें। आपको विश्वास में बढ़ना ज़रूरी बात है। ध्यान में रखो, इन अंत के दिनों में हमें कोई नहीं बचा सकता है। ये दुनिया का बहुत बुरा समय शुरू हो गया है और अभी ये बुरा समय अच्छा कभी नहीं बनने जा रहा है। जैसा कि एक पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, तभी नीचे गिरते समय वो बीच में कभी रुकता नहीं है, पूरा खाई में गिर जाता है। ऊपर से आने वाला पत्थर बीच में रुक नहीं सकता है, पूरा खाई में गिर जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से दुनिया गिर रही है विनाश की खाई में और कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया विनाश की खाई में गिरते जा रही है और पूरी विनाश हो जाएगी। ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु ने पहले ही बता कर रखी है और कई सारे भविष्यवक्ताओं ने भी इन बातों को लिख कर रखा है। बाइबिल में दुनिया के अंत के बारे में साफ साफ बता दिया है और उन भविष्यवाणियों के अनुसार अभी दुनिया की ये बुरी हालत कभी अच्छी नहीं बनेगी, बल्कि ये और बिगड़ती जाएगी और अंत में एक दिन दुनिया का आखिरी दिन रहेगा, जिस दिन के बाद कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, ना सुबह, ना दोपहर, ना शाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गए 1-1.5 साल से हम दुनिया में जो माहौल देख रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है। बहुत भयानक घटनाएं आने जा रही है। सावधान हो जाओ, विश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि आपका विश्वास आपको बचाएगा। विश्वास के अलावा और कोई हमें नहीं बचा सकता है। यदि आपके दिल में विश्वास है, आपका मन प्रभु की ओर लग रहा है, आपने वचन को दृढ़ रखा है, तो शैतान आपका विनाश नहीं कर पाएगा। हमें बोलना चाहिए, प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु ने वादा किया था कि दुनिया के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम दुर्बल हैं, हम अनाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है, छुड़ाने वाला कोई नहीं है। दुनिया की हालत देखकर हमें भी अपने मन में ऐसी बातों को नहीं बनाकर रखना है, बल्कि विश्वास में बढ़ते जाना है, वचन की ओर देखना है, परमेश्वर के वचनों को पकड़ के रखना है, ताकि इन बुरे दिनों में भी और अंधकार से भरी हुई दुनिया में भी परमेश्वर के वचन एक बड़े रोशनी के समान हमारे जीवन में काम करेंगे। हमारा विश्वास हमें आगे लेकर जाएगा, हमें जीवन में सफलता देगा। हमारा विश्वास हमें आशीषित करेगा। हमारा विश्वास इन कठिन दिनों में भी हमारे दिल में शांति और खुशी को बनाए रखेगा। और इसी विश्वास के कारण धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास में बढ़ते जाओ, पीछे मत आना, बढ़ते जाओ, विश्वास को और बढ़ाओ। और विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की बातों की ओर अपना मन लगाओ। विश्वास बढ़ जाएगा तो हम बच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।